नमस्कार, मैं हूं गोपाल और मैं हूं हर्षवर्धन। आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर का खास बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों पर। तो शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों से। बीके हॉस्पिटल में 25 करोड़ की लागत से मदर एंड चाइल्ड केयर हेल्थ सेंटर का होगा विस्तार। फरीदाबाद में फाइनेंसर मनोज भाटी को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, मौके पर हुई मौत। हरियाणा सरकार का निर्णय, पहली क्लास से 8वीं कक्षा तक के बच्चों का स्कूल रहेगा बंद, ऑनलाइन ही क्लास रहेगी जारी। जेसी बोस यूनिवर्सिटी पत्रकारिता में आरंभ करेगा पीजी डिप्लोमा, 2 करोड़ की लागत से बनेगा स्टूडियो। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद ट्यूलिप्स ने फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया के बच्चों के साथ मनाया क्रिसमस, खाद्य सामग्री के साथ बांटे कंबल। अब रुख करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। 28 साल बाद मिला सिस्टर अभ्या को इंसाफ, पादरी और नन को आजीवन कारावास। दिल्ली आने वाले वाहनों पर कलर कोड स्टिकर न होने पर जुर्माने से छूट। किसान आंदोलन का 28वां दिन, कृषि मंत्री बोले, किसान हमारे प्रपोजल में जो भी बदलाव चाहें बता दें, हम बातचीत करने को तैयार। जगन्नाथपुरी मंदिर आज से खुलेगा, 3 जनवरी से भगवान जगन्नाथ देंगे सभी को दर्शन, परंतु उससे पहले होगा कोरोना टेस्ट। अब नजर डालते हैं मनोरंजन जगत की ओर। रजनीकांत की फिल्म के सेट पर 7 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव, फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा। आलिया और रणवीर कपूर की शादी की खबरों पर बोली आलिया, अभी तो मैं बहुत छोटी हूं। अब रुक करते हैं खेल जगत की ओर। आईपीएल में 2 नई टीमों की एंट्री पर फैसला मुमकिन, जय शाह बन सकते हैं आईसीसी बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव। भारतीय बल्लेबाजों के लिए सचिन तेंदुलकर की सलाह, डिफेंसिव की जगह फ्रंट फुट पर खेलें और टीम इंडिया को सुधारनी चाहिए अपनी फील्डिंग। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर। अमेरिका में कोरोना के 16 लाख नए मामले, जो बाइडेन ने कहा आने वाला वक्त बहुत है मुश्किल। चाइना बना 21वीं सदी में चांद पर पहुंचने वाला पहला देश, 3 बार लैंडिंग की, मिट्टी और पत्थर भी लाया साथ। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहें न्यूज एनसीआर।